यार 24 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और अगले साल ही चुनाव होने के सारी पार्टियां ने दमखम लगाना स्टार्ट कर दिया है और कुछ ऐसे भी लोग हैं, कर्मचारी भी हैं, जो भी अपनी मांग पूरा करने के लिए अब दमखम लगा रहे हैं। मेरी मौजूदगी बरेली के दामोदर पार्क में है, तमाम ग्राम रोजगार सेवक है, इनकी तमाम मांगे हैं, वो आज एक ज्ञापन देने आए, उनसे भी बात करने की कोशिश। भैया क्या मांगे हैं आपकी? जी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं ग्राम रोजगार सेवक बरेली जनपद से वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधांशु शर्मा, आज से ठीक 2 वर्ष पहले 4 अक्टूबर सन 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पूर्व एक घोषणा की थी, लखनऊ बुलाकर हम लोगों को डिफेंस एक्सपो मैदान में, और उन्होंने उन घोषणाओं को 1 महीने के अंदर लागू कराने का वादा किया था वहाँ से, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। जिनमें से एक मांग थी एक घोषणा थी, उन्होंने बोला था कि मानदेय बढ़ाया जाएगा, तो मानदेय बढ़ाया है, कुछ बढ़ाया है, लेकिन जिसमें ईपीएफ का अंश भी हम लोगों से ही काटा जाता है और वो ईपीएफ का अंश आज तक हमारे यूएन खाते में जमा नहीं हुआ है, पता नहीं वो कहाँ जा रहा है। वो ईपीएफ जो है अब से करीब 5 साल पहले से काटा जा रहा है, बढ़ा हुआ ईपीएफ भी और उससे पहले का भी, पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला भी साबित हो सकता है अगर ये बात जो है इसकी जाँच हो। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा था कि एचआर पॉलिसी हम लोगों के लिए लागू करेंगे, वो उस एचआर पॉलिसी का आज तक कोई अता पता नहीं है कि कहाँ है वो एचआर पॉलिसी, बनी नहीं बनी, क्या हुआ, कुछ बताया नहीं गया। अधिकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह किए हुए हैं। दूसरा ये चीज़ें होने के बाद में हम लोगों ने ट्विटर पे भी अभियान छेड़ा और मुख्यमंत्री जी को पोस्टकार्ड भी लिखे, पत्र भी लिखे, लेकिन उन चीज़ों का अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर आज सभी जनपदों में, पूरे 75 जनपद में हमारे साथी जो हैं आज एकत्र हुए हैं और उन्होंने हर जनपद से पिछले 2 साल पुराना जो उन्होंने घोषणा की थी उसको याद दिलाने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरह से नहीं मानते हैं तो आगे जो हमारा संगठन रणनीति बनाएगा, जो भी निर्णय लेगा उसके अनुसार, चाहे हमें लखनऊ कूच करना पड़े या जो भी हमारे प्रांतीय नेतृत्व का आह्वान होगा उसके हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। अच्छा जी बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, रोजगार सेवकों की बड़ी संख्या है, काम भी करते हैं, क्या आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 2024 के लिए भाजपा के लिए इसका क्या खामियान होना पड़ेगा? नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान जो सरकार है वो हम लोगों की जो मांगे हैं उन पे गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और संभवतः उनको पूरा करने का प्रयास करेगी और करेगी, हम लोगों को पूरा भरोसा है। लेकिन यदि ये लोग हमारी दशा के ऊपर कोई विचार नहीं करते हैं तो फिर हम लोग भी मजबूर होंगे। आप बताइए क्या मांग है? सर पहले अपने बारे में बता दूं, आर के गंगवार, जिला महामंत्री, ग्राम रोजगार सुरक्षा। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, लगभग 4 अक्टूबर आज के ही दिन लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुले मंच से हम लोगों के सम्मेलन में ही ये घोषणा की गई थी कि हम इनको 1 महीने के अंदर समायोजित के लिए भी आगे बढ़ाएंगे, कार्रवाई करेंगे, मानदेय बढ़ाएंगे, अगर इनकी बर्खास्तगी होती है तो उपायुक्त मनरेगा की सहमति के बिना नहीं हो सकती। इस तरीके से हमारी 8 सूत्री मांगे थी, उस संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया है। 2 साल होने के बावजूद भी आज तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, एक भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई है, और उसके अलावा और टिफिकल, मनरेगा को टिफिकल बनाते जा रहे हैं। तो प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं पूरे 75 जनपद में, अगर इससे समस्या हल नहीं होती है फिर हम प्रदेश का जो भी आगे कार्यक्रम होगा लखनऊ स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या मानते हैं सरकार के लिए इसको, विकास वगैरह कुछ किया है आप लोगों के लिए? कुछ सर हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, केवल वही लॉलीपॉप हर बार मिल जाता है कि आप ये करेंगे, बार बार मीटिंग होती है, आश्वासन मिलता रहता है, लेकिन आज तक निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, केवल मीठी गोली दी जा रही है, कुछ नहीं किया जा रहा है। लगभग 10 साल होने को मोदी सरकार तरफ से, कुछ नहीं होने वाला हम लोगों के लिए, जहाँ थे वहीं की वहीं। 2024 के बिल्कुल नज़दीक चुनाव है, आप लोगों की बड़ी संख्या, बड़े वोटर हैं। नहीं तो अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो इस बार हम मजबूरी सही कुछ भी सही हम खिलाफत करेंगे सरकार की, क्योंकि बहुत समय हो गया, लगभग 10 साल होने को हैं, प्रदेश सरकार भी लगभग 7 साल होने को, कब तक इंतजार किया जाए, बहुत संघर्ष कर लिया, हम लोगों का भी कैरियर है 15-16-17 साल हो गई, तो इस बार हमारी मजबूरी होगी कि हम लोग खिलाफत करें। अच्छा लगातार जैसे क्या ये सब जाति गणना का वो चल रहा है, इसको लेके क्या सोचते हैं आप? नहीं होना चाहिए, वैसे तो होना चाहिए भाई, जाति जनगणना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इससे हमारे जो उत्तर प्रदेश में आबादी है हर एक की आबादी अपनी अपनी निश्चित हो जाएगी कि ये इतने परसेंट हैं, ये तो इतने परसेंट हैं, तो ये होनी चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है लेकिन सरकार उसके पीछे दौड़ती दिख रही है, अब वो सरकार है, अब विपक्ष का काम होता है मांग करना, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो वो अब वो सरकार जाएगी।
लेकिन हम लोग ग्राम रोजगार सेवक 15-16 साल वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य अभी तक सुरक्षित नहीं हुआ। हम अपने आने वाले कल के लिए अंधकार ही सोच रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारे भविष्य के बारे में सोचे, क्योंकि हम सब लोग ओवर रोज हो चुके हैं, अब दूसरी जगह कहाँ जाएंगे काम करने के लिए। इसलिए हमारा मनरेगा में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसी में मरना जीना उसी में है, इसलिए हम लोगों का भविष्य सुरक्षित किया जाए आगे के लिए। अच्छा आप बताइए भाई, जो विज्ञापन मांगे पूरी की जा रही है वो हमें हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हमारी मांगे, पहले मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए कुछ घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं के लिए हम लोगों ने अपनी मांगे रखी, अभी तक हमारी वो मांगे पूरी नहीं हो पाई है। जैसे कि मानदेय बढ़ोतरी, हम लोगों का ईपीएफ तो काटा जा रहा है कई सालों से, लेकिन ईपीएफ हम लोगों के अकाउंट में आज तक जमा नहीं हुआ, और हम लोगों की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम सभी लोग आज भुखमरी के घर पे हैं। 5-6 महीने लगभग मानदेय के लिए भी हो गया, किसी का भी मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है। संविदा पर 5-6 महीने 7,000 की नौकरी करते हुए सभी लोग भुखमरी के घर पर हैं, इसीलिए हमारे लोगों की ये मानदेय कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए, और जो हमारा ईपीएफ जो कि हमारा अधिकार है वो हमारे यूएन खाते में जल्द से जल्द जमा कराया जाए, और हम लोगों का जो मानदेय है जो 6-7 महीनों से लंबित है वो भी जल्द से जल्द हम लोगों को दिया जाए, जिससे कि हम लोगों की रोजी रोटी चल सके। तो सरकार क्या कुछ कर पा रही है अब तो लगातार लंबे समय सरकार हम लोगों से एक बंधुआ मजदूर की तरह काम तो लेती है, लेकिन हम लोगों के मानदेय के लिए कोई ध्यान नहीं देती, तरह तरह की यातनाएं देते हुए भी हम लोगों से काम लेती है, प्रताड़ित भी करती है, लेकिन अभी तक मानदेय के लिए अगर कहो तो वो उसकी कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? जातीय जनगणना के लिए मैं यही कहूंगा कि जातीय जनगणना ठीक है, होनी भी चाहिए, लेकिन सरकार तो पीछे भाग रही है। सरकार पीछे भाग रही है वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरा जो तथ्य है उसके लिए मैं ये कहूंगा कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। बहन जी आपकी क्या मांगे हैं आप रोजगार सेवक? जो सभी आम रोजगार सेवकों की मांगे हैं वही हमारी मांगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी उसमें से एक भी घोषणा आज तक लागू नहीं हुई है। उन्होंने घोषणाएं की थी कि HR पॉलिसी लागू करेंगे, वो भी नहीं हुई। उन्होंने मातृत्व अवकाश के लिए भी कहा गया था, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहते हैं कहा था कि जहां पर महिलाओं की शादी होगी वहां पर उनका ट्रांसफर किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और जो 2017 से हमारा EPF कट रहा है वो आज तक हम लोगों के खातों में नहीं गया, हमारा पैसा जा कहां रहा है, हमें जवाब चाहिए। अच्छा बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, आप लोगों की बड़ी संख्या, बड़े वोटर हैं, क्या सोचेंगे 24 के लिए? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम पूरे सरकार बदलने के मूड में हैं। हम जो सरकार हमारे सपोर्ट में होगी हम उसे आगे लाएंगे, उसका सहयोग करेंगे। सरकार बदलेंगे? जी बिल्कुल सरकार बदलेंगे। अच्छा, जाति जनगणना को लेकर क्या सोचती है? जी जनजाति जनगणना को लेकर क्या सोचती है? जनजाति गणना का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरा मानना ये है कि जनजाति गणना के अनुसार तो ये हम रोजगार सेवक इस बारे में नहीं कहेंगे, हम तो सिर्फ एक हैं और एक बल के साथ ही काम करेंगे। आप बताइए भैया आपकी क्या मांग है? सर जी सबसे पहली मांग हमारी तो यही है, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणाएं की गई थी वो अमल में नहीं लाई गई हैं, और अधिकारियों द्वारा उनको गुमराह किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो हमारी सबसे बड़ी मांग यही है महोदय कि जो हमारा जो लंबित मानदेय है और जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डिफेंस एक्सपो में जो भी घोषणाएं की गई थी वो सही मन से लागू की जाएं सर, यही सबसे बड़ी मांग है सर। और EPF की सबसे बड़ी मांग है सर जी कि हमारा EPF भी जमा नहीं हो रहा, कट हर महीने रहा है, कहां जा रहा है इसकी कोई भी वो नहीं है सर। तो सरकार कुछ सोचते नहीं आप लोगों के बारे में? सर जी सोचती है, सरकार भी सोच रही है, लेकिन जो हमारे जो अधिकारी गण हैं वो कुछ अन्य वातावरण में उसमें करके नहीं साफ हो पा रहा है, कुछ उनको सरकार को पूरी तरीके से हमारी जानकारी नहीं मिल रही, हमको तो यही लगता है अब सर, क्योंकि जितने भी तथ्य हमने ट्विटर के माध्यम से सरकार को जानकारी दी, पोस्ट कार्ड और अभी रजिस्ट्री के माध्यम से कहा, अन्य माध्यमों से भी सरकार पे हम लोग दबाव डाल रहे हैं, लेकिन कोई भी सर कुछ नहीं आ रहा है इस विषय में, कोई भी सरकार का वो उधर सरकारी तथ्य वो नहीं आया सर, और हम लोगों को गुमराही किया जा रहा है सर। तो देख सकते तमाम जो रोजगार सेवक थे, रोजगार महिलाएं थी, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे 2024 में सरकार बदल देंगे, और जातीय जनगणना को लेकर इनने साफ तौर पर कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 UP बरेली।